हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास जहां पर आपको क्लास इलेवन ट्वेल्थ बीबीए बीकॉम एमबीए के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है तो अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड या भाई बहन रिलेटिव कॉमर्स स्ट्रीम का है तो ये लेक्चर वीडियो सीरीज उसके लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि मैंने लेटेस्ट टॉपिक को लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है और हर टॉपिक पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन के साथ नुमेरिकल भी किया है इसीलिए मेरे कुछ वीडियोस थोड़े से लेंदी भी हो गए हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और इन वीडियोस की हेल्प से पढ़ना शुरू करिए राइट right? चलिए बहुत बातें हो गई जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट फाइव लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग रेशियोज कवर किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट थ्रोटिकल पार्ट कवर करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो फिर चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये तीनों एक्टिविटीज क्या होती है इनका क्या मतलब है इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे ठीक है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में इन तीनों ही एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंस है राइट नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन कैश ट्रांजेक्शन और उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस और इसकी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे ओके okay? और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल भी प्रेस कर लीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो राइट तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अच्छा चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए ये जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक का नाम क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट ये जो वर्ड है पहले कभी आपने सुना है इस टॉपिक का जिक्र कभी मेरे पिछले वीडियोस में हुआ है आराम से सोच के बताइए वीडियोस को पॉज कर लीजिए और आराम से सोच के बताइए कि ये जो वर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है इस टॉपिक का जिक्र कभी आपने मेरे पिछले वीडियो में सुना है हाँ आपने सुना है जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस की थी उसमें हमने पढ़ा था ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द टूल फॉर डूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर करना हो तो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक अवेलेबल हैं ठीक है जिसमें एक टूल क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वहां पर हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है ये एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जिसमें हम क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम को यूज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है और ये समझने की कोशिश की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओपनिंग बैलेंस है कैश या कैश इक्वलेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है और ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्वलेंट का इनके बीच में जो डिफरेंस है ना उसका रीजन क्या है कौन कौन सी एक्टिविटीज के कारण ऑर्गेनाइजेशन में कैश इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है जिसकी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में डिफरेंस है राइट right? तो ये सारी चीजें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं राइट तो चलिए एक और तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्ड क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मतलब क्या होता है कैश मतलब क्या होता है कैश मतलब होता है कैश इन हैंड कैश मतलब मनी पैसा ठीक है ये कैश इन हैंड भी हो सकता है कैश एट बैंक भी हो सकता है या फिर कैश एंड कैश इक्विल में क्या आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश में तीन चीजें आएंगी ठीक है कैश कैश एंड में तीन चीजें आती हैं क्या क्या आता है या तो कैश आता है कैश कैश हैंड हैंड ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना मनी है या बैंक बैलेंस क्या है या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है ये वो सिक्योरिटीज होती हैं ठीक है थीके? जिनको बहुत फास्ट जिनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है जिनको एक या दो दिन में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे शेयर है शेयर अगर आप चाहें तो सुबह बेच करके दो दिन में फोर्टी एट आवर्स में आपका जो फंड है मनी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी कैश एंड कैश इक्वलेंट में कंसिडर किया जाता है तो ये तीन चीजें आती हैं कैश या कैश इक्वलेंट में ठीक है तो कैश मतलब आपको समझ में आ गया पहला वर्ड फ्लो मतलब क्या होता है बताइए फ्लो फ्लो वर्ड तो सुना होगा फ्लो मतलब होता है बहना मतलब पोजीशन चेंज करना साइंस में पढ़ा है ना वाटर क्या करता है फ्लो करता है जिससे क्या होता है वाटर की पोजीशन चेंज होती है ठीक है नदी का पानी क्या होता है फ्लो कर रहा होता है जिससे उसकी पोजीशन क्या होती है चेंज हो रही होती है तो बिजनेस में ये जो फ्लो वर्ड है कैश फ्लो वर्ड है इसका मतलब क्या है कैश की पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना कैश कैश की पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चेंज होगी जब कैश इनफ्लो होगा या कैश क्या होगा आउटफ्लो होगा कैश इनफ्लो होगा या फिर कैश आउटफ्लो होगा कैश ऑर्गेनाइजेशन में आएगा या फिर कैश ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा इनफ्लो कैसे होगा जब रिसिप्ट होगी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा रिसीव होगा तो कैश इनफ्लो होगा जब ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करेगा ठीक है तब क्या होगा कैश का आउटफ्लो होगा राइट right? तो हमें समझ में आ गया कैश फ्लो का मतलब अगले वर्ड क्या है स्टेटमेंट स्टेटमेंट मतलब क्या होता है स्टेटमेंट मतलब रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट ओके okay? तो अब चलिए हम इन तीनों वर्ड को फिर जोड़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्या है एक डॉक्यूमेंट है या वो रिपोर्ट है जो शो करती है चेंज इन इन ऑफ कैश एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड किसी पर्टिकुलर पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश की पोजिशन चेंज हो रही है कैश का जो इनफ्लो हो रहा है कैश का जो आउटफ्लो हो रहा है इसको शो करने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ना दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आया ये नाम से ही समझ में आ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी वो स्टेटमेंट जिससे फ्लो ऑफ कैश शो हो फ्लो ऑफ कैश मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो शो हो इनफ्लो कब होगा जब ऑर्गेनाइजेशन पैसा रिसीव करेगी आउटफ्लो क्या होगा जब ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जाएगा राइट right? जब कैश या कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो क्या होगा इनफ्लो ऑफ कैश होगा ठीक है जब कैश या कैश इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाएगा डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा आउटफ्लो आउटफ्लो अगर हो रहा होगा तभी तो कैश या कैश एक कम हो रहा होगा ऑर्गेनाइजन में राइट right? तो यहाँ तक समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कैश इनफ्लो किन किन रीजंस के कारण हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कैश में सेल किया है कोई प्रोडक्ट बेचा है या ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड रिसीवेबल हुआ है ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर से या बिल रिसीवेबल से कैश रिसीव हुआ है तो कैश इनफ्लो होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को कमीशन या रॉयल्टी रिसीव हुई है तो कैश इनफ्लो होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है ठीक है या ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इन्वेस्टमेंट है उसको सेल किया है तब पैसा आएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फिक्स एसेट सेल किए हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेल की है ठीक है तो पैसा आएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लोन या एडवांस रिसीव किया है ठीक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं डिवेंचर इशू किए हैं ठीक है, है, है तो भी क्या होता है कैश इनफ्लो होता है राइट right? ये कुछ एग्जाम्पल है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के आउटफ्लो कब होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ परचेजिंग की है कैश में या ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिटर्स या बिल पेबल को पेमेंट किया है या ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है कुछ लोन या एडवांस दिया है तो इससे क्या होगा पैसा जाएगा ठीक है कुछ लोन या एडवांस का रीपेड किया है ठीक है उनका पहले से लोन या एडवांसेस लिए हुए थे इसका पेमेंट किया है तो क्या होगा पैसा जाएगा अगर इक्विटी शेयर को बाई बैक किया है शेयर अपने वापस पब्लिक से खरीदे हैं तो भी क्या होगा पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम अगर किया है तो भी पैसा जाएगा डिवेंचर्स रिडीम किए हैं तो भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जाएगा तो ये वो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो होता है समझ में आया ये एक बार वीडियो पॉज करके इनको रीड भी कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं हमने जान लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है यह हमें समझ में आ गया बट अब सवाल यह आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री ये जो मैंने ए एस लिखा है ए एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री में बताया गया है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसे कैसे बनाया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये वर्ड सुना होगा आपने

आईसीए नाम सुना है ना आई सी ए आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी है ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या है इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक है वैसे थोड़ा सा बस मैं इंडप में जा रही हूँ आईसीए ने एक कमिटी सेटअप की थी जिसका नाम था ए एस बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तो एक्चुअली में ए जो आई के अंडर में था उसने बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक है तो जो मेरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जो वीडियो है उसमें मैंने पूरे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस किए हैं उन्हें जरूर देखिएगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो एक एक्सपोर्ट रिकोगनाइज अकाउंटेंसी बॉडी इशू करती है रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग या ट्रांजेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या इवेंट को कैसे मेजर करना है ठीक है कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है कैसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है ये सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में

वहां पे क्या किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो कैश फ्लो हो रहा है उसको डिवाइड किया जाता है थ्री कैटेगरीज में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कौन कौन सी ये जो लिखी हुई है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ऑर्गेनाइजेशन में कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करके कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो किया जाता है राइट right? अब सवाल ये आता है कि ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये होती क्या है वॉट मीन तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से मैं समझाती हूँ वॉट इज द मेन दर्पज ऑफ एनी बिजनेस किसी भी बिजनेस का मेन पर्पज क्या है वीडियो को पॉज करिए और आराम से सोचिए कि वॉट इज द मेन पर्पज ऑफ एनी बिजनेस तो द मेन पर्पज ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना यही तो मेन रीजन है यही तो मेन पर्पज है किसी भी बिजनेस का कमाना अब बताइए ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कैसे अर्न करेगी कैसे अर्न करती है तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड करना पड़ेगा ठीक है ट्रेड करना मतलब बाइंग एंड सेलिंग करनी पड़ेगी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सामान बेचने पड़ेंगे खरीदने पड़ेंगे या फिर सर्विस रेंडर करनी होगी ठीक है तभी तो प्रॉफिट अर्न होगा तो इसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी राइट ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी यानी वो मेन एक्टिविटी जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इनकम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ठीक है तो उसका मेन काम क्या है कंप्यूटर बनाना और कंप्यूटर बेचना ठीक है तो वो उसकी क्या हुई ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है तो एक बात बताइए ऑर्गेनाइजेशन ये तो हमने समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा ट्रेड करना पड़ेगा व्यापार करना पड़ेगा उसके लिए उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी राइट बट एक बात बताइए ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तब कर पाएगा ना व्हेन इट हैज समटअप अगर उसके पास कुछ फैक्ट्री होगी कुछ ऑफिस होगा कुछ मशीनरीज होंगी कुछ फिक्स एसेट होंगे शोरूम होगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगा ट्रेड कर पाएगा ठीक है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ठीक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ फिक्स एसेट बाय करने पड़ेंगे फैक्ट्री बनानी पड़ेगी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी ठीक है शोरूम रेंट पे लेना पड़ेगा या शोरूम खरीदना पड़ेगा ठीक है तो उसी को कहा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को राइट तो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आक्टि, समझ में आ गई अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आ गया हमें कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी ठीक है बट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट तो तब कर पाएगा ना व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज सम फंड तभी तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर पाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा फाइनेंस करना पड़ेगा ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा फंड अरेंज करने पड़ेंगे तो फाइनेंस करना पड़ेगा ठीक है तो इसी को कहा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी राइट तो समझ में आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ये तीन एक्टिविटी होती है इन तीन एक्टिविटीज की वजह से जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं ओके तो चलिए डिटेल में देखते हैं इन एक्टिविटीज के बारे में सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने अभी बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी यानी मेन बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है और वो एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग ना हो वो सब आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे अगर कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कंप्यूटर बनाना और बेचना यह होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो गुड्स परचेज करना गुड्स सेल करना ये होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना दिस इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बिजनेस की मेन एक्टिविटी यही होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही एक्टिविटी डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होगा इसी एक्टिविटी से पता चलता है राइट right? चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जैसे देखिए ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती है एक होती है नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अगर कोई नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ना डील करके नॉर्मल ट्रेड करती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी हो सकती है जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गुड्स या सर्विस सेल की है या ऑर्गेनाइजेशन को रॉयल्टी फीस या कमीशन रिसीव हुई है या ऑर्गेनाइजेशन को डेटर या बिल रिसीवेबल से पैसा जो रिसीव हुआ है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा ठीक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स या सर्विस जो परचेज की थी उसका पेमेंट अगर किया है तो ये भी तो मेन बिजनेस है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था

तो ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है जिसका मेन काम है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करना ठीक है तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है अगर फाइनेंसिंग कंपनी कोई सिक्योरिटी परचेज करता है तो मेन काम है अगर वो लोन जो लिया है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो वो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है अगर फाइनेंसिंग कंपनी कोई सिक्योरिटी सेल कर रहा है या डिविडेंड रिसीव कर रहा है ठीक है है सिक्योरिटी पे तो ये क्या है उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जबकि ये आइटम नॉन फाइनेंशियल ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जो आइटम आपको बताए गए हैं नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए यानी वो कंपनी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में न डील करके उनका कुछ ट्रेड या सर्विस रेंडर करने का बिजनेस होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रेड या सर्विस रेंडर करने का बिजनेस होता है उनके लिए ये आइटम ऑपरेटिंग में नहीं आते हैं राइट right? उनका मेन बिजनेस ये तो नहीं है सिक्योरिटी में डील करना तो मेन बिजनेस नहीं है फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं ठीक है इसीलिए यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फाइनेंसिंग कंपनी एंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनी ठीक है फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या होता है जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो उनका मेन बिजनेस होता है ठीक है वहीं से वो रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं इसलिए ये चीजें उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया है ठीक है एक बार पॉज करके जितने भी ट्रांजेक्शन है इनको जरूर रीड कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो अभी मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है दोज एक्टिविटी इन विच वी डू एक्सिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट वो एक्टिविटी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है लॉन्ग टर्म एसेट या फिर कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करती है मतलब खरीदती है या फिर उनको डिस्पोज ऑफ करती है यानी सेल करती है तो उनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं राइट लॉन्ग टर्म एसेट जैसे मशीनरी ठीक है वो एसेट जिन्हें रीसेल के पर्पज से न रखा गया हो ठीक है लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स एसेट वो एसेट जिन्हें रीसेल के परपज से न रखा गया हो ठीक है जैसे मशीनरी है लैंड है बिल्डिंग है ठीक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तो इनको खरीदना और इनको बेचना ठीक है तो ये सब किस में आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एग्जाम्पल देखते हैं जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है तो उसका जो पेमेंट कर रही है ठीक है तो वो क्या आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स एसेट बेचा है ठीक है तो उसका जो पैसा रिसीव हो रहा है वो किस में आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में थर्ड क्या है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई शेयर परचेज किया है कुछ इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है किसी दूसरे इंटरप्राइज में ठीक है शेयर या वॉरेंट या डेट इंस्ट्रूमेंट बाय किया है तो वो किस में आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट किया है ना या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर सेल किए हैं वॉरेंट सेल किए हैं या डेप इंस्ट्रूमेंट को सेल किया है ठीक है और उससे फंड रिसीव हुआ है तो फिर क्या वो भी आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एडवांसेज या लोन दिए हैं थर्ड पार्टी को तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है अगर जो एडवांसेज या लोन दिए थे अब उसका पेमेंट रिसीव हुआ है ठीक है रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेज जो लोन एंड एडवांसेज दिए थे उसका पैसा रिसीव हुआ है तो वो भी किस में आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में राइट तो ये कुछ एग्जांपल हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आगे बढ़ते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है अभी मैंने समझाया था शॉर्ट में चलिए डिटेल में देखते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर्स कैपिटल है जो टोटल कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन का उसकी साइज में और उसके कंपोजिशन में चेंज आए जिस एक्टिविटी की वजह से जिस ट्रांजेक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल है उसकी साइज में और उसके कंपोजिशन में चेंज आए उन एक्टिविटी को कहते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी राइट या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बोरोइंग की है फ्रॉम द अदर सोर्सेज कोई दूसरे सोर्सेज से ऑर्गेनाइजेशन ने बोरोइंग की है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ फंड अरेंज करने के लिए ठीक है जो भी एक्टिविटी की है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल कैपिटल है उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा हो कम्पोजिशन चेंज होना मतलब क्या है जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल कैपिटल होता है ना वो दो चीजों से मिलके बनता है शेयर और डिबेंचर से तो इसी को कहा जाता है कम्पोजिशन कंपोजिशन मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल है टोटल कैपिटल है वो किन चीजों से मिलके बना है तो शेयर और डिबेंचर से अगर मिलके बना है तो दिस इज कॉल्ड कम्पोजिशन ये कंपोजिशन है ठीक है अब चलिए देख लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर शेयर इशू किए हैं या फिर कोई द, दूसरा सिमिलर इंस्ट्रूमेंट इशू किया है ठीक है उससे जो भी फंड रिसीव हो रहा है तो वो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या ऑर्गेनाइजेशन को, ने कोई डिवेंचर इशू किया है लोन इशू किया है लोन लिया है बॉन्ड इशू किए हैं या कोई दूसरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग की है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है तीसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इक्विटी शेयर्स को बाय बैक किया है बाय बैक करना मतलब मार्केट से अपने शेयर वापस खरीदना बाय मतलब खरीदना बैक मतलब वापस मार्केट से अपने शेयर को वापस खरीदना जिसके बदले में कंपनी को पेमेंट करना होता है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है राइट नेक्स्ट है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने रीपेमेंट किया है ऑफ अमाउंट बोरोड ऑर्गेनाइजेशन ने डिबेंचर के फॉर्म में मार्केट से फंड बोरो किया था अब उन डिबेंचर को रिडीम किया है तो क्या करना पड़ेगा रीपेमेंट करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करना पड़ेगा तो ये किस में आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड पे कर रहा है ठीक है तो इक्विटी शेयर्स पे या प्रेफरेंस शेयर पे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है देखिए शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो शेयर पे ही तो डिविडेंड दिया जाता है तो डिविडेंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डिविडेंड पेमेंट किया या डिविडेंड डिविडेंड पेमेंट किया नॉट रिसीव किया

तो डिविडेंड अगर मिल रहा है तो वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिविडेंड अगर ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है तो वो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये बात समझ में आई ऐसे ही जो इंटरेस्ट है डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है ना तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो क्या होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये क्या होगा ये होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ने किसी दूसरी कंपनी का डिवेंचर खरीदा होगा ठीक है तो उसे उस उसपे इंटरेस्ट मिल रहा है तो दिस विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन अगर ऑर्गेनाइजेशन वही अभी जो मैंने बताया अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई डिवेंचर या लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ठीक है तो दीज आर द फ्यू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक बहुत ही खास बात है ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें देयर इज अ फ्लो ऑफ कैश देयर इज अ चेंज इन कैश पोजीशन, यानी वो ट्रांजेक्शन जिनसे कैश की पोजीशन चेंज हो रही है जिनसे कैश फ्लो हो रहा है ना उन्हीं ट्रांजेक्शन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं राइट right? वो ट्रांजेक्शन जिनसे कैश में कोई चेंज नहीं हो रहा है कैश में कोई फ्लो नहीं हो रहा है ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं ये बहुत ही खास बात है ध्यान रखिएगा जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में ठीक है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक तो इसमें क्या होगा इजेशन के पास कैश कम होगा कैश इन हैंड क्या होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और कैश एट बैंक क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा तो अगर हम नेट में कैश की पोजीशन देखें तो क्या कैश की पोजीशन में चेंज आया है नो no. कैश की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है ठीक है या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कैश विदड्रॉ किया है बैंक से तो क्या होगा कैश इन हैंड बढ़ जाएगा ठीक है और कैश एट बैंक क्या होगा कम हो जाएगा बट नेट में कैश की पोजिशन क्या चेंज होगी नहीं चेंज होगी ठीक है तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन जिसमें कोई भी कैश फ्लो नहीं हो रहा है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि इसका नाम क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी वो स्टेटमेंट जिसमें हम फ्लो ऑफ कैश को रिकॉर्ड करें ना जिसमें कैश की पोजिशन जो चेंज हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो क्योंकि अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो कैश या कैश इक्वलेंट के बीच में होता है ना तो उनमें कोई भी फ्लो ऑफ कैश नहीं होता है फिर से एक बार रिपीट ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है द मूवमेंट इन बिटवीन द आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट यानी कैश या कैश इक्विलेंट के जो आइटम है यहाँ पे लिखा हुआ है ना जो कैश या कैश इक्विल के जो आइटम है उनके बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है या पैसा विड्रॉ किया है इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन है ठीक है तो इसमें क्या होता है नेट में कैश में कोई मूवमेंट नहीं होता है तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं ध्यान रखिएगा इस बात का अगला क्या है नॉन कैश ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड नॉन कैश ट्रांजेक्शन अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक और बात बताई गई है कि जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं यानी वो ट्रांजेक्शन जिसमें देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट जिसमें कैश या कैश इक्वलेंट का कोई फ्लो नहीं होता है उनको भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं क्यों क्योंकि नाम क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें पहले तो फ्लो हो फ्लो हो मतलब पोजिशन चेंज हो उनको रिकॉर्ड करते हैं और ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं ठीक है तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है ये नाम से ही हमें पता चल रहा है नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं हमने पढ़ा था डेप्रीशियशन याद है ना एसेट पे लगता था फिक्स एसेट पे लगता था डेप्रीशियेशन तो बताइए जो डेप्रिशिएशन की एंट्री करते थे उसमें कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व होता था नहीं इन्वॉल्व होता था डेप्रिशिएशन तो एसेट पे लगता है ना तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट करते थे टू एसेट तो उसमें कैश तो कहीं इन्वॉल्व होता नहीं था तो जो डेप्रिशिएशन है या फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है तो ये होते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं या अगर ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर इशू किया है इक्विटी शेयर या डिबेंचर इशू किए हैं, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश यानी कैश के अलावा कोई दूसरे कंसीडरेशन के बदले में यानी कोई एसेट परचेज किया है और उसके बदले में अगर शेयर या डिबेंचर इशू किया है तो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं क्यों क्योंकि याद है ना एंट्री क्या होती थी जब भी शेयर इशू किए जाते थे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते थे हम कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करते थे तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तीसरा क्या है अगर डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं न्यू डिबेंचर्स में या डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर में तो वो भी क्या है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं ना इसमें कैश तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है तो ये भी क्या होगा नॉन कैश ट्रांजेक्शन राइट तो दिस इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन इनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं शो करते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा राइट right? तो so, चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है क्यों बनाया जाता है तो सबसे पहला क्या है शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी क्या क्या सोर्सेज ऑफ फंड है यानी कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड कहाँ कहाँ पे पैसा अप्लाई हो रहा है ठीक है तो वो किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का हमें पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है प्लानिंग कर सकती है अबाउट इन्वेस्टमेंट्स सोर्सेज ऑफ फंड पता चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी प्लानिंग कर पाएगी कि ऑर्गेनाइजन कहां, कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है एप्लीकेशन ऑफ फंड पता चलेगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या है आगे फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पहले से एनालाइज कर सकती है उसके लिए अरेंजमेंट कर सकती है ठीक है तो बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट मदद करता है राइट right? दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन द लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म को पे करने की कैपेबिलिटी और सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की कैपेबिलिटी को एसेस करने में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट मदद करता है कैसे क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी डिटेल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ कहां से आ रहा है कितना आ रहा है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए अरेंजमेंट कर सकती है राइट right? नेक्स्ट क्या है इफिशियंट कैश मैनेजमेंट ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द सरप्लस एंड डिफिसिट ऑफ कैश ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश है वो सरप्लस में है यानी एक्सेस में है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश की कमी है डिफिसिट है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है

कि कहा से कैश इनफ्लो होगा कैश आउटफ्लो होगा वैसा ही एज पर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म किया है कि नहीं तो बेसिकली कंपेरेटिव स्टडी में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट मदद करता है राइट नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रीजन फॉर कैश पोजिशन कैश फ्लो स्टेटमेंट देख करके ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजिशन है ठीक है उसके बारे में तो पता चलता है लेकिन उसके पीछे कारण क्या है किन किन रीजन के कारण ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजिशन में चेंज है

या अगर शेयर uh, को इशू किया गया है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश तो इस टाइप के जो नॉन कैश होते हैं ना इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है नेक्स्ट जो लिमिटेशन है कि इट इज नॉट अ अब्सिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट जो पीएल अकाउंट जो हम बनाते थे वहां पे क्या करते थे हम कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करते थे और जो

यही लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इनमें हम उन इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं हैज ऑलरेडी अकर्ड जो हिस्टोरिकल है है ठीक इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन फोर्थ लिमिटेशन क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया गया है इट इज इग्नोर एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट याद है है ना accrual concept पढ़ा था तो जो accrual concept है, वो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय हम इग्नोर करते हैं राइट right? तो दिस इज लिमिटेशन ये जितने भी कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है इस पर मेरी एक सेपरेट वीडियो है आप वहां से देख सकते हैं क्या होता है

दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ओके सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर गॉड ब्लेस यू